जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो मस्त है भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी मस्त होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं गांव, अचानक जाना पड़ रहा है, कोई अर्जेंट काम है, तो उसकी वजह से हमारे को दोनों को जाना पड़ रहा है। फिर आज ज़्यादा नहीं, बस दो दिन के लिए। तो हमने लिया हुआ है आज नया रूट, हम सोलन से बाया बद्दी नालागढ़ से जाएंगे, निकलेंगे हम मंडी। देखते हैं ये रूट कैसा है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो बड़ा अच्छा रोड है, वहाँ पे फोर वे है, बड़ा प्यारा है, तो आपको दिखाएंगे कैसा कैसा है। पिछली बार भी आए थे हम वहाँ से होके, पर शाम हो गई थी हमारे को, तो हमने इतनी वीडियो नहीं बनाई, मोड भी नहीं था बनाने का। तो अब देखते हैं, अब जाती बार दिखाएंगे आपको अच्छी अच्छी, जो भी अच्छा अच्छा सीन रहेगा वो दिखाएंगे आप लोगों को। पूरे हाल से ये मेरे ऊपर ना छी सांस की लड़ हुई थी, शीशा बंद कर सांस अंदर लाना। किस मुल्क में आओ गंदे मुल्क में ना बोल, लाइट के नुकीन तो पता ना रला दे था की दी थी, और भाई तो सुविधा ना रस्ते दूसरी बार को ना कान में थोड़ा दे दिया। ये हाल है यहाँ के, देखो दिन की रात है ये। कभी नहीं आएंगे मैडम, भाई बहुत परेशान हो गई है मैडम, बहुत धुंध दिखी है। एक्चुअली में क्या है ना, हमारे हिमाचल में धुंध तो पड़ती नहीं है, पड़ती भी है तो बहुत रेयर, थोड़ी देर के लिए उठ निकल जाती है। यहाँ तो भाई पूरा इलाका ही धुंध से, यहाँ तो बनती है पूरा सिस्टम, बनती है पूरा ही सिस्टम, तो इसलिए मैडम को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे को नहीं पसंद है, दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब तो थोड़ा सा दिखने भी लगे ना पीछे जैसे, तो बिल्कुल ही बंद था। कैसे तो सांस लेते हो ये लोग, भाई कैसे रहते हो, कैसे अपना जीवन गुजारते बचा रहे हैं। हमारा हिमाचल अच्छा है, दूर दूर तक जाए। देखो हम कट गए बद्दी की तरफ, कहीं दूसरी जगह नहीं चल जाना। पिछली बार यहाँ लिखा होगा मैडम, ये देख लेना, आपने पढ़ लेना सामने, दिख रहा है ना बद्दी। हाँ, बद्दी 26 किलोमीटर, पिंजोर 1 किलोमीटर, पिंजोर तो 1 किलोमीटर, पीछे कुछ और ही था वो लिखा हुआ। तो यहाँ पे दिख रही है एक मस्जिद सामने, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा होना शायद, या मस्जिद लग रहा है। एक डोंग बारा में ये बस आज कीड़ी कितनी डोंग का की पाऊंगी ना।
बिगाड़ रखा है बेचारों ने सच यार ना धूप ना कुछ और ना जगह जगह आग जलाई हुई है तब बैठे हुए पता क्या है ना इस धुंध का कोई तो इलाज होना चाहिए हमारे तो इतनी देर भाई इतनी अच्छी धूप लगी है सोलन में शिमला में है ना यहाँ तो धूप का नाम ही नहीं है बेचारे जगह जगह आग जलाई हुई है और इकट्ठा होके बैठे हुए सब लोग इतना ठंड है ना ऊपर भी नहीं है इतनी ठंडा ऐसा लग रहा है हम नालागढ़ पहुँचने वाले हैं ये जो चली हुई ना आगे अमरूद नारियल की गाड़ी बस ये देखो थोड़ी देर में हमारी गाड़ी में आ जाएंगे अपने ये नारियल ना सीधे हमारी गाड़ी में आ जाएंगे देखो 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 ये देखो आ गया ना चलो सर चलो तो
आना मैं इतनी निकलना सो ये सर ना होने वाला रस्ता चुपचाप अपने रोड़े आने दामी नहीं तो सिर्फ नहीं से कोई बोलने वाला इसका अपना बिलासपुर निकलना बिलासपुर का दामी सीधा बिलासपुर भी जाना वो बारी है नौने पुलना वो ट्रंप
भाई मारे को लगी है भूख, अब ढाबा ना मिलू मारे को, पता नहीं कहाँ मिलेगा भाई। मैं भी अभी सारे ढाबे तंदूरी रोटी सुंदर नगर। थक भी गए और भूख भी लग गई। भूख लग गई है भाई जबरदस्त ना। अब ढाबा बढ़िया सा, अब बढ़िया सा कैसे पता लगेगा कौन बढ़िया है, मतलब जो भी मिलेगा ना खाना ही पड़ेगा है ना। तब तो हमारे को कैसे पता लगेगा ये अच्छी है अच्छा बनेगा। हमारे को पता है कि वहाँ पे, अरे इधर था कुछ नारला में छी दूर दड़ा था। मंडी से थी 24 किलोमीटर, 24 दुने 48 घंटा। हाँ कुछ नहीं साढ़े दस घंटा। बढ़िया खाना तो, खाना तो सर्ली बख्श है। Beep.
अभी कर लिए दर्शन, अब चलते हैं घर की ओर। तब से मैं इस पुल को ऐसे का ऐसे ही देख रहा हूँ। और ये पहुंच गए हम टीकन। यहाँ से है रोड 12 किलोमीटर है ना। दुकानें होती थी, अब तो काफी बड़ी मार्केट बन गई है। नज़ारे बहुत मस्त है यार, अगर बर्फ पड़ी हो ना तब तो भैया नज़ारा ना इससे भी डबल हो जाता है। सारे के सारे पेड़ देवदार और रई और कैर ये सब जो ना बर्फ से लदे हुए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चद्दर पे चद्दर सी बिछा दी हो। जो भी पर्सन शांति चाहता है ना, मतलब लाइफ में, उसके लिए ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है, सुकून मिलेगा यहाँ पे आके। शुरू में यहाँ पे ज़रा होटल्स वगैरह कम होते थे, दिक्कत होती थी, बट अब तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होटल की कमी नहीं है, होम स्टे की कमी नहीं है। अगर आप पहाड़ों में ड्राइविंग नहीं कर सकते हो तो ड्राइवर भी हायर कर सकते हो आप, यहाँ से ड्राइवर भी मिल जाते हैं आपको। जितने भी टैक्सी स्टैंड है ना यहाँ ब्रोड में, वहाँ टैक्सी स्टैंड में जाके आप लोग पता कर सकते हैं और ड्राइवर भी मिल जाएगा आपको लोकल एरिया में ड्राइव करने के लिए। कोचिंग से अभी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है, 4 या 4 किलोमीटर के आसपास ही होना मुझे लग रहा है रोड। ये जो रोड बना है ना ये गया लपास के लिए, तो आप यहाँ से बाई रोड भी लपास जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, पैदल का रास्ता आगे से है। मेला होता है, नीचे देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मेला होता है जो देवता है यहाँ के लोकल चौहार वैली के, देव पशाकोट और साथ में गारी गलू गलू गांव है वहाँ के, है वो देवता गलू की गारी, वो भी आते हैं यहाँ पे। तो बहुत जबरदस्त मेला होता है यहाँ पे, लोकल मेला होता है। ना शिवलिंग निकली हुई है, बहुत पता नहीं कब से है ये स्थान, बट 2 साल पहले शायद कोई गया था यहाँ पे, उसने देखा था। तो बाकी फिर उसके बाद हम लोग भी गए यार, बहुत जबरदस्त शिवलिंग है वहाँ पे, छोटी छोटी है शायद 5-6, और इतनी प्यारी बनी हुई है ना पानी की वजह से, कटिंग तक हो गई है कब से है वहाँ पे। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है दोस्तों, तो इसलिए यार अब थक गए है ना, आलसपन सा भी आ गया, सर दर्द हो रहा है मेरा तो ड्राइविंग करते करते, और मैडम की भी तबीयत खराब है। आप लोगों को यहाँ के रोड दिखा देता हूँ, बाकी मेरा जो रोड का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही था कि आप लोगों को तक जो है वो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ कि ब्रोड वैली का जो रोड है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, पूरा पक्का है और खुला हो गया है। जैसे पहले तो मुश्किल होती थी कि एक गाड़ी सामने से आ जाए तो पीछे ही ले जाना पड़ती थी गाड़ी टर्न के पास बैक की, बहुत बढ़िया रोड हो गया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार जितना दिखा सकता हूँ ना आप लोगों को दिखा दूँ ये रोड। मैंने आप लोगों को दिखाया जो टिंगरी से टिकी कटासनी से 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद आगे से मैंने दिखाया ये। पहले सोचा क्या करूँगा दिखा के, फिर सोचा यार नहीं चलो दिखा देता हूँ, थकावट भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रोड वैली,
रोड से, मेन रोड से थोड़ा सा पहले हम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले, तो यहाँ रुके हम थोड़ी देर। ये मैडम थक चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। ग्राम पंचायत पुरोट प्रधान्य पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये देखो बरसात में देखो कितना नुकसान हुआ, सामने से पूरा पहाड़ी बैठ गया नीचे। सूर्य जो है वो जाने वाला है, अब सनसेट का समय आ चुका। तो ये कुल मिला के इस टाइम का व्यू जो है ना रोड का, ये है दोस्तों। ये जो खेतों में लगाया हुआ ना, क्या क्या है यहाँ पे देखो, सरसों का साग है, जौ है, गेहूँ भी होगा ना बीच में, शायद गेहूँ भी है। कलरफुल लग रही है यार जमीन, बहुत प्यारी दिख रही है। शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, ठीक 4 बजे हम पहुंच गए घर, यानी कि अभी रोड में पहुंचे हैं। रोड से 3 किलोमीटर दूर और है हमारे घर, 3 से 4 किलोमीटर। 7:30 बजे निकले थे हम रूम से, सोलन से। बताता हूँ दोस्तों आपको कि जो मेन रोड है ना, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बॉर्डर है यहाँ पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है नीचे रोड की मार्केट। तक है हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में, म्यूट है यहाँ से 9 किलोमीटर और भीड़ है 49, बड़ा ग्रास 16 किलोमीटर, पोलिंग 8 किलोमीटर। यहाँ से शुरू हो गया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये पीछे चला गया लोहाटी को और हम जा रहे हैं बड़ा गांव की तरफ। इस पुल का नाम है लंबा डक। प्राइवेट बस खड़ी है यहाँ पे, अनुराग ये जाती है बड़ा ग्राउंड, और ये है स्टेशन मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है मुल्तान, और मुल्तान की तहसील है यहाँ पे। Thank you.
ना आपको, ये है भाई बखलोक, सामने बोर्ड में दिख रहा होगा आपको बखलोक। यहाँ पे ना हम आपको वाटरफॉल भी दिखाते हैं, ये देखो सामने ये वाटरफॉल काफी बड़ा है, बट आपको कैमरे में कम दिख रहा होगा। और इसी के साथ ही हम पहुंच गए दियोट। पहले हमारा प्राइमरी स्कूल होता था, फिर मिडिल हो गया, फिर प्लस टू हो गया, अब जो है वो डिग्री कॉलेज बन गया है, जैसे आप देख रहे होंगे आज के महाविद्यालय मुल्तान। और ये पहुंच गए दियोट, वही अपना स्टेशन, यहाँ पे पहुंच गए, अपने बचपन की यादें जो वो ताज़ा हो गई। एक दुकान होती थी पहले, अब देखो कितनी बड़ी मार्केट बन गई है। दियोट से चांदनी चौक 1 किलोमीटर, हमारा जो पुराना स्टेशन होता था चांदनी चौक, ये जो सामने दिख रहा है ना आपको छोटे से मंदिर माता का, पहले नहीं होता था ये, होता था स्टेशन। सब्जी मंडी, और इस जगह को बोलते हैं हम पहले मानाल बोलते हैं। नाल जो है ना मतलब नदी, छोटा सा नाला है जिसका नाम था मानाल। चलते हैं अब अपने घर की तरफ, यहाँ से कट गए। दूसरी गाड़ी आ जाए ना, थोड़ी सी जगह ऐसी है कि गाड़ी बैक ही ले जाना पड़ेगी, बहुत टफ था यहाँ से निकालना रोड, बट चलो फिर भी निकल गया। Gracias.
थी लव स्टोरी किचन इंटीरियर मोड़े लड़ी किचन लड़ी वो ठीक है सिर्फ चल बस बस जाते बीच मत ले जा बटके होने फिर कांड। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, अब चलते हैं, निकलते हैं, गाड़ी से उतरते हैं सामान।